आपकी औकात क्या है? वो तो कुछ नहीं है, वो तो अपने बदौलत तो मुखिया नहीं बन सकता। नीतीश कुमार ने वैसे आदमी को ला करके इतना खड़ा कर दिया। 2019 में दो दो जगह से लड़े थे ना उपेंद्र जी, पता चल गया उनको। अरे बिहार में दो ही नेता हैं देखिए आज के, हाँ। एक नीतीश कुमार, हाँ। एक लालू यादव। क्या क्या बना सकता है वो आदमी जेडी, क्या बनाया है जेडी में? कुछ नहीं। उसको जाने से कोई जेडीयू पर कोई अंतर, उसको आने से यहाँ कोई फायदा था, न जाने से उसको कोई घाटा है जेडी को। जमीन पर से जिनको नेता बनाते हैं वही लोग भस्मासुरनियन नीतीश कुमार पर हाथ रखने की कोशिश करता है, तो जो नीतीश कुमार पर हाथ रखेगा वह खुद भस्म हो जाएगा। नीतीश कुमार नीतीश कुमार है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज, मैं हूँ आपके साथ सौरभ राज। उपेंद्र कुशवाहा ने जेडीयू और नीतीश कुमार के खिलाफ बगावत कर दी है। मेरे साथ जेडीयू सांसद महाबली सिंह हैं, इनसे विस्तार से बात करेंगे। उपेंद्र कुशवाहा तो आप लोगों को ताकत दिखाने में लगे हुए हैं और वो हिस्सा मांग रहे हैं कि नीतीश कुमार जिस तरीके से काम कर रहे हैं उससे पार्टी ख़त्म हो जाएगी जेडीयू। सौरभ जी क्या मतलब आप बात करते हैं? आप लोग सिर्फ उपेंद्र कुशवाहा को नेता बनाए हुए हैं, उससे क्या औकात है जी बिहार के अंदर? औकात कुछ नहीं है। क्या औकात है, हम तो वही बोल रहे हैं, क्या औकात है उसकी? अरे नीतीश कुमार का ऐसा देन था, हाँ। कि उस आदमी बेरोजगार आदमी को ला करके उसने राजनीति में रोजगार देने का काम किया। उन्होंने उपेंद्र सिंह से उपेंद्र कुशवाहा बनाया, उपेंद्र कुशवाहा टाइटल रख करके उनको बिहार में विधानसभा का सदन का नेता बनाया, फिर राज्यसभा में भेजा, फिर बेरोजगार हो गए 2019 में, उनके पास कोई रोजगार नहीं आया, रोड पर आ गए। तब फिर नीतीश कुमार ने सोचा कि भाई हमें तो बेरोजगार लोगों को, गिरे हुए लोगों को, गिराए हुए लोगों को ऊपर उठा करके चलने लायक बनाना है। तो फिर वो गिरे हुए आदमी को नीतीश कुमार ने फिर ला करके MLC बनाया, हाँ। और MLC बना करके, हाँ। उसको रोजगार देने का काम किया। जब वह रोजगार देने, जब रोजगार में फायदा हो गया, हाँ। तो वह आदमी फिर नीतीश कुमार को आंख लगा दिखाने, उसकी औकात क्या है? वो तो कुछ नहीं है। वो तो अपने बदौलत तो मुखिया नहीं बन सकता। नीतीश कुमार ने वैसे आदमी को ला करके इतना खड़ा कर दिया, क्या औकात? अभी 2019 में हराए थे उनको, 2019 में दो दो जगह से लड़े थे ना उपेंद्र जी, पता चल गया उनको। अरे बिहार में दो ही नेता हैं देखिए आज की डेट में, हाँ। एक नीतीश कुमार, हाँ। एक लालू यादव। उपेंद्र कुशवाहा नहीं, उपेंद्र कुशवाहा जीरो, क्या चीज का नेता भाई? कुशवाहा समाज के सबसे बड़े कुशवाहा समाज की कहते हैं ना उपेंद्र जी जैसा, 50 गो उपेंद्र जैसा कुशवाहा का लीडर हर जिला में है और हर लोगों के साथ जन समर्थन है, किसी एक व्यक्ति के साथ बिहार का कोई कुशवाहा नहीं है। आप लोग खाली मीडिया में उपेंद्र कुशवाहा, अरे क्या उपेंद्र कुशवाहा, क्या है महाराजा, क्या है, कुछ है, उसका कोई जनाधार है? वो तो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को खाड़ फेंकेंगे, वो हिस्सा मांग रहे कि जेडीयू में उनका हक है, जेडीयू वो बनाए हैं। जेडीयू में क्या क्या बना सकता है वो आदमी? जेडीयू क्या बनाया है जेडीयू में? कुछ नहीं है। उसको जाने से कोई जेडीयू पर कोई अंतर, उसको आने से यहाँ कोई फायदा था, न जाने से उसको कोई घाटा है जेडीयू को। जेडीयू समुद्र के तरफ एक अडिग है, हाँ। और बिहार में जो गठबंधन है एकदम मजबूत गठबंधन है, किसी को आने जाने से कोई फायदा नहीं है। लेकिन एक चीज है, ये जान लीजिए, हाँ। कि जनता दल यूनाइटेड जिस तरह रेलगाड़ी है ना, हाँ। एक जगह स्टेशन से खुलती है, हाँ। तब 50 लोग चढ़ते हैं, हाँ। और 50 लोग फिर उतर जाते हैं। तो ये रेलगाड़ी है, रेडियो रेलगाड़ी है, रेलगाड़ी है, इस पर 50 लोग चढ़ेंगे और 50 लोग फिर उतरेंगे, इस पर कोई अंतर नहीं पड़ने। लेकिन वो नीतीश कुमार को आंख दिखा रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा। तो वही तो हम कह रहे हैं, नीतीश कुमार जी ने जिन लोगों पर भरोसा किया वो भरोसे लायक नहीं निकले। किसी को नौकरी से निकाल करके राजनीति में ला दिए, तो किसी को जमीन पर से उठा करके कुशवाहा के नाम रख करके राजनीति में खड़ा किए। जिन लोगों को उन्होंने खड़ा किया उनको नीतीश कुमार जी को पहचानने में थोड़ा जरूर भरम हुआ। जिसको वो ला करके जमीन पर से जिनको नेता बनाते हैं वही लोग भस्मासुरनियन
नीतीश कुमार पर हाथ रखने की कोशिश करता है तो जो नीतीश कुमार पर हाथ रखेगा वह खुद भस्म हो जाएगा। नीतीश कुमार हैं, बिहार के 13 करोड़ आवाम के वो नेता हैं, वो सबके लिए काम करते हैं, चाहे दलित हो, महादलित हो, अगड़ा हो, पिछड़ा हो, वो सभी लोगों के लिए काम करते हैं। वो किसी जात के नीतीश कुमार कोई जात के नेता नहीं है, वो हर समाज के नेता हैं, ये जान लिया, हर समाज के लिए काम करते हैं। उपेंद्र कुशवाहा से डर नहीं लग रही? उपेंद्र कुशवाहा से हम लोग कुछ डरने वाले हैं? उपेंद्र कुशवाहा क्या, अरे हम तो वही कह रहे हैं, खाली मीडिया में आप लोग नेता बनाए हुए हैं, उसकी कोई औकात नहीं है धरती पर, कोई औकात नहीं है भाई उसके जैसा। हर जिले में उपेंद्र कुशवाहा जैसे लोग हैं, बहुत कुशवाहा लीडर है। किसी बिहार का कुशवाहा बड़ी जागरूक कौम है, वो बुद्ध की धरती, महावीर की धरती से रहने वाले लोग हैं, वो सबसे बड़े बुद्धिजीवी हैं, वह अपने आप हर घर में लीडर है, किसी के पीछे चलने वाला नहीं है कि वहाँ का कुशवाहा महाबली कुशवाहा के साथ चल दिया तो उपेंद्र कुशवाहा के चल दिया तो भगवान कुछ, किसी के साथ नहीं जाने वाला, वो खुद लीडर है, वो समझ लीडर है, खुद लीडर है। अरे बुद्ध की धरती के लोग, बुद्ध को मानने वाले बिहार के लोग हैं, वो खुद बुद्धिजीवी लोग हैं, वो कोई लोभ लालच नहीं है लोगों को, वो सब लीडर है, जानता है कि बिहार के कल्याण किसके हाथ से होने वाला है, तो नीतीश कुमार के अलावा वहाँ कोई विकल्प नजर नहीं आता। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा जेडीयू को तोड़ देंगे, जेडीयू के विधायकों के अंदर उनकी पैठ है। एगो वार्ड तो टूट ही नहीं सकता है और विधायक, अरे बिहार में जो जेडीयू के जो कट्टर समर्थक लोग हैं हाँ। वो कभी टूटने वाले लोग हैं जी, ये कभी कुशवाहा नहीं तोड़ सकते, वो पार्टी से न जुड़े हुए हैं, वो नीतीश कुमार जी की जो आइडियोलॉजी है, जो नीतियां हैं, जो सिद्धांत हैं, जो उनकी विचारधारा है, सबके लिए, सबको न्याय के साथ विकास, उनके साथ न लोग जुड़ा हुआ है कि किसी व्यक्ति के साथ बिहार में जुड़ा, मैंने डर नहीं है उपेंद्र कुशवाहा से, इसी तरह का कोई डर नहीं है। चलिए शुक्रिया सर, थैंक यू, धन्यवाद। उसकी औकात क्या है? वो तो कुछ नहीं है, वो तो अपने बदौलत तो मुखिया नहीं बन सकता। नीतीश कुमार ने वैसे आदमी को ला करके इतना खड़ा कर दिया। 2019 में दो दो जगह से लड़े थे ना उपेंद्र जी, पता चल गया उनको। अरे बिहार में दो ही नेता हैं देखिए आज के, एक नीतीश कुमार, एक लालू यादव। क्या क्या बना सकता है वो आदमी जेडीयू, क्या बनाया है जेडीयू में? कुछ नहीं। उसको जाने से कोई जेडीयू पर कोई अंतर, उसको आने से यहाँ कोई फायदा था, न जाने से उसको कोई घाटा है जेडीयू को। जमीन पर से जिनको नेता बनाते हैं वही लोग भस्मासुरनीय नीतीश कुमार पर हाथ रखने की कोशिश करता है, तो जो नीतीश कुमार पर हाथ रखेगा वह खुद भस्म हो जाएगा। नीतीश कुमार हैं।